बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलील रहमान। आपने लोन लेना चाह रहे हैं, अपने बिज़नेस से रिलेटेड न्यू हैं या पहले से बिज़नेस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। ये लोन आपको 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है 0300-322-777। तो ये लोन जो है डेयरी फार्म से रिलेटेड भी लोग ले सकते हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर वगैरह लेना है ज़मीन पर काम करने के लिए वो भी ले सकते हैं, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड भी लोन ले सकते हैं, और बाकी जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड भी लोन ले सकते हैं। लाइट बैंक की एक मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पर अवेलेबल है आइकन ऑफ पाकिस्तान पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो, और ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहे। कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिए, या फिर भी कुछ समझना है तो व्हाट्सएप पे आपने रब्ता कर लेना है। ये बाकी बैंक्स की वीडियो भी अपलोड है जो कि आपको उससे फ़ायदा होगा, वो अभी आप देख लीजिएगा लोन के हवाले से। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन लेना है, ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, या आप डेयरी फार्म से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें ग्रोथ लाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, और फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड लोन लेना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। करना आपने क्या है मैं सारा आपको बता देता हूँ, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या शरायत है, और अप्लाई किस तरह करना है सारा आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले तो ये रीड करना खुद चाह रहे हैं तो आपने अलाइड बैंक क्लिक कर गूगल पर सर्च करना है, अलाइड बैंक आ जाएगा। फिर आपने बिजनेस बैंकिंग पर जाना है और SME फाइनेंसिंग पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं 1 लाख से लेकर आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़ तक भी आप लोन ले सकते हो, 1 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक आप लोन ले सकते हो। ये सारी जो वीडियो में मैं अपलोड अलाइड बैंक की जो पहले वीडियो बनाई थी, ये जो अवेलेबल है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए, इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या पुराना, तो आप ये लोन ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ दूसरा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये एग्रीकल्चर फैसिलिटी पे आपने क्लिक करना है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला पेज ही ओपन हो जाएगा जिसमें जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये इसमें डिफरेंट जो है लोन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म और ट्रैक्टर वगैरह और दूसरे बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है जी एग्री से रिलेटेड, इसमें क्या है, आप जो लोन ले सकते हैं, क्या शरायत है उसकी, क्या आपने करना है, आपने बैंक में जाना है सीधा, उनको कहना है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं लोन लेना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे ये अलाइड लाइव चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, स्टार्ट चैट करें। आप बैंक के नुमाइंदे से घर बैठे भी रब्ता कर सकते हैं, बैंक में खुद जाके भी कर सकते हैं, फॉर्म वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो शरायत है वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि है क्या। जो अप्लाई करना चाह रहा है लोन लेने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ज़मीन वगैरह में हल वगैरह चलाने के लिए या फसल को बढ़ाने के लिए, काश्त करने के लिए उसको कर्ज़ा वगैरह चाहिए, तो 18 से 65 साल उसकी एज होना ज़रूरी है। तो लोन कैन बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट वन और मोर सिक्योरिटी ऑप्शन, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑप्शन आप दे सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड आ सकता है, अर्बन प्रॉपर्टी आ सकता है, लिक्विड सिक्योरिटीज आ सकता है, गोल्ड, ज़मीन जायदाद का कागजात वगैरह, इस पर आप लोन ले सकते हो। एक ही बार आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी 3 ईयर के लिए, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। और इसमें आप जो लोन है, मार्कअप विल बी चार्ज अमाउंट यूटिलाइज, जितना आप अमाउंट लोगे उस हिसाब से इसका मार्कअप होगा। तो फ्री क्रॉप लोन इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, आपको इंश्योरेंस वगैरह फ्री उसके हवाले से, और 25 एकड़ इन पंजाब अगर आपका हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। केपे की सिंध, के पी के सिंध, और 32 एकड़ इसमें अगर आपके हों बलोचिस्तान वगैरह में, तो भी आप ये लोन भी ले सकते हैं और आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और 3 ईयर के लिए ये होगा। और इसका मार्कअप जो है वो आपकी अमाउंट पे डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर जो है उसका मैं आपको बता देता हूँ, 18 से 62 साल आपकी एज होना ज़रूरी है, 18 से ऊपर 62 साल तक आपकी अगर एज, आप ले सकते हो लोन। आप 3 साल से लेके 5 साल तक वापस कर सकते हो, मुद्दत आप खुद सिलेक्ट करोगे कि 5 साल तक करना है या 3 साल, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 है।
अच्छा जी, उसके बाद आपको जो लोन अगर आप लेना चाह रहे हो, आपकी 12.5 एकड़ जो है वो होनी चाहिए, मिनिमम ज़मीन होनी चाहिए, और 5 एकड़ ज़मीन के बदले आपको एक ट्रैक्टर ये प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप उस पर काश्त वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन में हल वगैरह चलाने के लिए। और रीपेमेंट जो आपने उसको करना है लोन को वापस, वो आपने आपकी अमाउंट जो होगी उस हिसाब से उसका मार्कअप होगा, और उसी हिसाब से आपने जो उसकी, अगर बैंक से आप करेंगे रابطہ तो आपको बता देंगे कि आप उसको क्वार्टरली भी दे सकते हैं, सालाना भी दे सकते हैं, जिस तरह आप उनके साथ एडजस्ट करेंगे तो उस तरह आपने लोन की रीपेमेंट आपने करनी है। तो ये भी आप ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह के कागजात पर इसका लोन जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी तरह आप डेयरी फार्म से रिलेटेड लोन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। डेयरी फार्म में आप उसका कैपिटल फाइनेंस के तौर पर भी ले सकते हैं और डेवलपमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें भी आपकी सिंपल शराइत है, आपकी 18 से 64 साल एज होना ज़रूरी है, और ये लोन आपको फैसिलिटी जो है वो 1 ईयर यानी 1 साल के लिए मिलेगी, 1 साल में फिर आपने वापस करना होगा। ये कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं, इस तरह का अपॉर्चुनिटी अभी है, अप्लाई हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी तमाम वीडियोज़ इस पर अवेलेबल है। लेकिन उसका मसला सिर्फ ये है कि वो अप्लाई प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीट होने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 महीना भी लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हैं। ये जो लोन है आपको 15 से 20 दिन में मिल जाएगा, इसका मार्कअप थोड़ा ज़्यादा होता है, मसला सिर्फ ये है उनका मार्कअप थोड़ा कम होता है। तो ये इसकी जस्ट सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आपने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह के जो आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पर आपने देना है, और आपको आपकी एज 18 से 64 साल हो, 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। पर्पज़ क्या है, परचेज ऑफ मेच्योर मिल्क वगैरह, बुफेलो वगैरह, काउज वगैरह, आप दूध बेचने के लिए अगर भैंसी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। फिर आप उसको दूध वगैरह सेल करने के हवाले से, उसको स्टोरेज करने के हवाले से, अगर आपको टैंक्स वगैरह चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, उनको फीड करवाने के लिए, जिस तरह की भी आप खुराक वगैरह के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप इन तमाम पर्पज़ के लिए, कि आप न्यू बाय करना चाह रहे हैं गाय, ठीक है, उसके लिए भी, उनकी खाना फीड वगैरह के लिए भी, दूध को सेव करने के लिए टैंक और मशीनरी वगैरह भी, तो ये तमाम सहूलियात के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। इसी तरह 18 से 64 साल एज होना ज़रूरी है, 1 से 5 साल जो है उसमें आपने लोन वापस करना है, और लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, और ईयरली भी आप दे सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे बैंक के साथ रब्ता करके उनको कह सकते हैं, वो आपको उसी तरह आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट सेट कर देंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी अवेलेबल है, तो इसमें भी आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी मिल जाएगा, डेवलपमेंट के लिए भी मिल जाएगा, अगर आप और ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं बिज़नेस को, उसके लिए भी मिल जाएगा, और आप अगर आप चीज़ों वगैरह इक्विपमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा, रॉ मटेरियल वगैरह, उसका खाना वगैरह, सफाई वगैरह के हवाले से, बिल्स वगैरह पे करने के हवाले से, ये तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, और ज़्यादा पोल्ट्री का बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। 18 से 64 साल एज होना ज़रूरी है, और इसी तरह ये जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो 1 ईयर के लिए है, और इसी तरह रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो आपको गारंटी के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेंगे ज़मीन जायदाद वगैरह के। तो ये इसमें आप 1 से 5 ईयर तक इसको लेके जा सकते हैं, 1 से 5 साल तक आपने लोन की पेमेंट जो है वो वापस करनी है, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप उस तरह सेट कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट इसकी भी आप दे सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी, और ईयरली भी। तो ये तमाम आप लोन ले सकते हैं अलाइड बैंक से। इसके अलावा आप बैंक ऑफ पंजाब से भी, मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से भी लोन ले सकते हैं, आपको 15 से 20 दिन में लोन मिल जाएगा, बैंक ऑफ पंजाब से भी, अलाइड बैंक से भी, और इसी तरह समिट बैंक से भी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा मैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लेटेस्ट, और जो कि आपके लिए काम आ सके, आपकी हेल्प हो सके। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, किसी भी तरह की रहनुमाई चाह रहे हैं, अप्लाई करना करवाना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर आप अपने बिज़नेस को न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, ये लोन आपको 15 से 20 दिन में मिल जाएगा, ज़्यादा आपको महीना, 2 महीने, 5 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह कामयाब जवान लोन प्रोग्राम में करना पड़ता है। अगर कामयाब जवान लोन प्रोग्राम में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप बिज़नेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर ही अप्लाई करें, उसमें अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अगर आपको नहीं बनानी आती, अप्लाई नहीं करना आता, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आपकी आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी।
इस हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।